असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग और मेघालय सीमा पर तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। करीब 300 लोगों ने असम की पुलिस और वन विभाग के कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। बताया जा रहा है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मेघालय के 5 लोग मारे गए हैं, जबकि मेघालय लोगों के हमले में एक वन कर्मी शहीद हो गए हैं। पुलिस और वन विभाग प्रशासन ने तस्करी के काठ का काम करने वाले लोगों के खिलाफ एक अभियान चलाया था, जिसके बाद ये पूरी घटना घटी। असम मेघालय बॉर्डर से सटे पश्चिमी कार्बी आंगलांग से अवैध रूप से लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। इसी के खिलाफ पुलिस और वन विभाग प्रशासन ने अभियान चलाया था। जैसे ही पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची, कुछ लोग अचानक आए और धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। लोगों के हमले को रोकने के लिए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग का इस्तेमाल किया। पुलिस ने हमलावरों पर नियंत्रण पाने के लिए कई राउंड फायरिंग की, जिसमें मेघालय के 5 लोगों की मौत हो गई। हिंसा को देखते हुए मेघालय सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। आदेश के मुताबिक इन 7 जिलों में इंटरनेट सेवा 22 नवंबर से लेकर 48 घंटे के लिए बंद रहेगी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। सुरक्षा बलों की एक बड़ी टीम इलाके में भेजी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को दोबारा होने से रोका जा सके। जानकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को मंगलवार तड़के रोकने के बाद हिंसा भड़क गई। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।